पर बैठ के हवाओं का इंतजार होता था कि कब हवा चले, कब मदीना की जानिब हमारी कश्ती पहुंचे। लोगों गौर करना, मदीना की जानिब जा रहे हैं, मदीना की तरफ रुजू कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक जंगल पड़ा और उस जंगल को पढ़ने के बाद में इसके बाप को जो है उस पत्थर से, पत्थर पड़ा था उससे ठोकर लगी, इसका बाप गिरा और जमीन से ठोकर लगते ही इसके बाप का इंतकाल हो गया। जैसे ही इसके बाप का इंतकाल हुआ, इसने देखा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया, मेरा बाप दुनिया से चला गया। आंखों से अश्क रवा दवा है, आंखों से अश्क बह रहे हैं। इसके दिल में ख्याल आया कि बाप की मैयत को कैसे लेकर जाऊं, बाप के जो है अब मैं बाप की कब्र का कहां इंतजाम करूं। दिल में ये सोच रहा था, लेकिन लोगों गौर करना, ये दिल में सोच रहा है कि अपनी बाप की कब्र को कहां बनाऊं। आखिर ये सोच रहा है, क्या देखता है आसमान पर से 30 लोग उतरे जो कि सफेद लिबास पहने हुए हैं, सफेद अमामा बांधे हुए हैं। इसके बाप के करीब आए और करीब आने के बाद जब वो इसके बाप के करीब आए, उन्होंने क्या करा, ये इसके बाप की लाश को ठोकरे मारी, उन 30 लोगों ने ठोकरे मारी और मुंह पर थूका और वो चले गए। फिर देखता है आसमान पे से 5 लोग उतरे, वो भी सफेद लिबास पहने हुए हैं, सफेद अमामा बांधे हुए हैं, वो भी इसके बाप के करीब आए और करीब आने के बाद में जब वो इसके बाप के करीब आते हैं, उन्होंने भी ठोकरे मारी और मुंह पर थूका और वो भी चले गए। दिल में सोच रहा था, मौला मेरे बाप से ऐसी कौन सी खता हो गई, कौन सा गुनाह हो गया जो मेरे बाप को इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। ए अल्लाह, आखिर मेरे बाप से कौन सा गुनाह हो गया, जरा गौर करना मुसलमानों। ये सोच रहा था, क्या देखता है आसमान पर से 2 लोग और उतरे, वो भी सफेद लिबास पहने हैं, सफेद अमामा बांधे हैं, इसके बाप के करीब आए और करीब आने के बाद में उन्होंने भी वही सुलूक किया, इसके बाप के ठोकरे मारी और मुंह पर थूका और वो भी चले गए। ये देख रहा था कि आखिर मेरे बाप से ऐसी कौन सी खता हो गई, आखिर कौन सा गुनाह हो गया जो मेरे बाप को इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, इतना बड़ा अजाब दिया जा रहा है, मेरे बाप के ठोकरे मारी जा रही है, मेरे बाप के मुंह पर थूका जा रहा है। ये सोच रहा था, क्या देखता है आसमान पे से एक शख्स उतरा जो कि वो भी सफेद लिबास पहने हैं, सफेद अमामा बांधे हैं। जब वो इसके बाप के करीब आया, करीब आने के बाद जब वो करीब आ रहा था, इसने सोचा कि अब मैं जो है अपने बाप को जो है अब मैं अपने बाप के मुंह पे थूकने ना दूंगा, अपने बाप को जो है मुंह पर थूकने ना दूंगा, ठोकरे ना मारने दूंगा। ये दिल में सोच रहा है कि अब इससे मेरी चाहे कुछ भी हो, अपने बाप के मुंह पे थूकने ना दूंगा। जब वो इसके बाप के करीब आया, करीब आने के बाद कहा, बेटा अपने बाप को दफनाना चाहते हो, अपने बाप की मदद करना चाहते हो? कहा, हाँ मदद तो करना चाहता हूँ, बल्ला मैं मदद करने के लिए सोच रहा था, लेकिन आप जो है आप मेरे बाप के मुंह पे थूकेंगे ना, आप मेरे बाप के ठोकरे मारेंगे। कहा, नहीं मैं वो नहीं हूँ। कहा, आप भी तो सफेद लिबास पहने, आप भी तो सफेद अमामा बांधे हैं, आप भी तो उन्हीं की तरह है, आप भी तो वही लिबास पहने हैं जो और लोग आए थे, उन्होंने मेरे बाप को ठोकरे मारी, मुंह पर थूका और वो चले गए, आप भी तो वही लिबास पहने हैं, आप भी वही सलूक करेंगे ना? कहा, नहीं मैं नहीं करूंगा। कहा, तो उन्होंने क्यों किया? कहा, जो 30 लोग आए थे उन्होंने क्यों किया? कहा, सुन ले, अगर तू ज्यादा बेताब होता है, अपने बाप की मोहब्बत से ज्यादा बेताब होता है, तो सुन, जो 30 लोग आए थे वो रमजानुल मुबारक के रोजे थे, तेरे बाप ने कभी रमजान के रोजों को ना रखा, अगर तेरा बाप रमजान के रोजों को रखता, अल्लाह उन रमजान के रोजों के जरिए तेरे बाप की मदद कर देता। मुसलमानों गौर करना, आज कौन का हाल यही है, आज हम रोजों से दूर हैं। उसने कहा, जो 5 लोग थे वो कौन थे? कहा, जो 5 लोग थे वो 5 वक्त की नमाजें थी, तेरे बाप ने कभी नमाजों को ना पढ़ा, अगर तेरा बाप नमाजों को पढ़ता, अल्लाह नमाजों के जरिए तेरे बाप की मदद फरमा देता। इसके दिल में, इसके आंखों से अश्क रवा दवा हो रहे थे, इसके दिल में खौफ अल्लाह का तारीफ हो गया। ये रोने लगा और कहने लगा, मेरा बाप इतना पापी, इतना गुनाहगार। का जो 2 लोग आए थे वो कौन थे? का जो 2 लोग आए थे वो ईदों की नमाजें थी, तेरे बाप ने कभी ईदों की नमाजों को ना पढ़ा, अगर तेरा बाप ईदों की नमाजों को भी पढ़ लेता, अल्लाह उनके जरिए तेरे बाप की मदद फरमा देता। का जो 1 लोग आए थे, आप जो आए हैं वो कौन है? का, मैं जो हूँ, एक मरतबा एक आलिम तकरीर कर रहा था, एक आलिम तकरीर कर रहा था और तेरा बाप मिलाद में बैठा था, और उस आलिम ने कहा कि नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो, तो तेरे बाप ने 1 मरतबा सच्चे दिल से दुरूद पढ़ लिया, अल्लाह ने उस दुरूद का सिला मुझे बना के भेजा। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसका दुरूद का सिला मुझे बना दिया। कहा, कैसे? कहा, तेरे बाप ने दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने मुझे भेजा, उस मैं वही दुरूद हूँ जो तेरे बाप ने दुरूद पढ़ा था, मैं वही दुरूद पाक हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरे बाप की मदद करने। अगर तेरा बाप रमजान के रोजों को रख लेता, अल्लाह उनके जरिए
जरिए तेरे बाप की मदद फरमा देता। अगर तेरा बाप पांच वक्त की नमाजें पढ़ लेता, अल्लाह उनके जरिए तेरे बाप की मदद फरमा देता। अगर तेरा बाप ईदों को पढ़ लेता, अल्लाह उनके जरिए तेरे बाप की मदद फरमा देता। बोलो मुसलमानों, आज हमारा हाल भी यही है, हम रमजानुल मुबारक के रोजों से दूर है, हम नमाजों से दूर है। आज मेरा उनवान ये नहीं था, मेरा उनवान तो गौस पाक के ताल्लुक से था, लेकिन कारी रिजवान साहब की मोहब्बतें हैं, ये उनकी ताविशें हैं जो मुझे हुक्म दिया कि जो है इसराई बयान करना। मैंने इनके कहने पर इसराई बयान चुना। मुसलमानों गौर करो, आज हमारी कौम का हाल ये है, हम नमाजों से कोशों दूर है, हम नमाजों से दूर जा रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है फिर रू इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ आओ। लेकिन कौम का मुसलमान नमाजों को दूर जा रहा है, रमजान से दूर जा रहा है, नमाजों से दूर जा रहा है। किधर जा रहे हो, किस रब को छोड़ के जा रहे हो? उस रब को जो 70 माओ से ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला है, उस रब को छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह अकबर, वो रब जो हमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। एक मर्तबा हजरत उमर की बारगाह में एक औरत आई, आने के बाद अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मसला, मैं एक आपसे मसला पूछना चाहती हूँ। कहा क्या पूछना चाहती हूँ? कहा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। सर्दी के दिन थे, तवज्जो करें, सर्दी के दिन थे, हजरत उमर के आगे आग जल रही थी, आप उन हाथों अपने हाथों को सेक रहे थे। औरत आई, अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन बताया जाए अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह हमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। उसने कहा हमें ऐसे समझ नहीं आया, उमर दूसरे तरीके से बताओ। उसकी गोद में एक बच्चा था, हजरत उमर ने अपने कासिद से कहा बच्चे को मांगो, बच्चे को मांगा गया। जब बच्चे को मांगा, हजरत उमर ने फरमाया इस कासिद से, आए कासिद अब बच्चे को आग में डाल दो, आग में फेंक दो। उस औरत ने जब इतना सुना मेरे बच्चे को आग में फेंका जा रहा है, मेरे बच्चे को आग में जलाया जा रहा है, औरत तड़प गई, बेताब हो गई, अर्ज करने लगी ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर मसला पूछने में कोई गलती हो गई हो, कोई खामी हो गई हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन वल्लाह मेरे बच्चे को आग में ना डाले, मेरे बच्चे को आग में ना फेंके, ऐ अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दो। कहा हजरत उमर ने, जब उसका होश और हिसाब ठिकाने पर हो गया, बच्चे को दिया। कहा ऐ औरत, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जरा गौर करें, आज मुसलमान का हाल ये, छोटी छोटी परेशानियों पे अपने रिश्तेदार को बताते हैं, छोटी छोटी परेशानियां अपने दोस्तों को बताते हैं। आज मुसलमान का हाल क्या हो गया? अल्लाह अकबर, ऐसे रब को छोड़ के जा रहे जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, लेकिन छोटी छोटी बातों पे पकड़ भी कर लेता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मुसलमानों अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फिर रू इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ आओ। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह की तरफ से ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इल्लाह तौबतन नसूहा, यानी हमारी तरफ, हमें अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा है और हम है कि नमाजों से दूर जा रहे हैं।